क्या है हमारा मकसद जिंदगी। मैं पूरी इंसानियत की बात नहीं करता, मैं पूरी उम्मत मुस्लिमा की बात नहीं करता, मैं अपनी और आपकी बात करता हूँ। ये जो दाईयान इल्लाह हैं, ये जो इस्लामी इनकलाब के पैगंबर हैं, ये जो ज़मीन पर अल्लाह का निज़ाम बरपा करना चाहते हैं, हमारा मकसद ज़िंदगी क्या है। किसी के पास सैमसंग का फ़ोन है तो आईफोन आ जाए, किसी के पास आईफोन 7 है तो आईफोन 11 हो जाए, किसी के पास डेल का लैपटॉप है तो HP का आ जाए, HP का है तो एप्पल का आ जाए। अपना मकसद ज़िंदगी ये बनाया हुआ है कि ज़रा पढ़ लिख कर काबिल हो जाएंगे तो बड़ा सा बंगला बनाएंगे, उसमें अच्छी सी गाड़ी रखेंगे, एक पुरासाइश ज़िंदगी गुजारेंगे, और यही हमारा मतमाई नज़र है, यही हमारा अल्टीमेट गोल है। अगर तालीम भी हासिल करते हैं तो इसलिए हासिल करते हैं कि जब ये तालीम मुकम्मल करेंगे तो डिग्री का पर्चा किसी के पास गिरवी रखवा कर कुछ टके उससे वसूल करेंगे और इस पर अपनी पूरी ज़िंदगी गुजारेंगे। इसके अलावा किसी का कोई मतमाई नज़र है? वो अल्लाह तबारिक वताला, मैं आपसे कह रहा हूँ कि जिसने इंसान को ज़मीन पर अपना नायब बनाकर भेजा है, इस बेवक़त और इस बेहैसियत दुनिया को हासिल करने के लिए ये इंसान अपनी सारी सलाहियतें, अपने सारे वसाइल, अपनी सारी तकदो लगा देता है। ये इंसान इसी के अंदर गुम होकर रह जाता है। और जब इन हालात को देखता हूँ तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वो हदीस मुझे याद आती है कि सहाबा के साथ मौजूद थे और कहते हैं कि एक वक्त आएगा कि कुफार मुसलमानों पर इस तरह टूट पड़ेंगे जिस तरह भूखा दस्तरखान पर टूट पड़ता है। सहाबा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से दरियाफ्त करते हैं कि अल्लाह के हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ऐसा माजरा क्यों होगा? नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, ये इसलिए होगा कि वो दुनिया से मोहब्बत करने लगेंगे और मौत से नफरत करने लगेंगे। मेरे दोस्तों और साथियों, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब दावत दीन का ये काम किया और अपने सहाबा यानी आमतुन्नास को इस जानिब बुलाया और शहादत अलन्नास का फरीजा सर अंजाम दिया, और जिन लोगों ने उनकी इस दावत को कबूल किया वो सहाबा इकराम कहलाए। जो बुनियादी बस उनके अंदर पैदा हुआ था वो ईमान का बस था कि जिसकी जानिब कुरान मजीद बार बार निशानदेही करता है। उनसे नहीं कहता कि जो ईमान, जिन्होंने इस्लाम कबूल नहीं किया, बल्कि उनसे कहता है कि जिन्होंने इस्लाम कबूल कर लिया। क्या कहता है? कहीं कहता है या अय्युहल लदीना आमनु आमिनू, ए लोगों जो ईमान लाए हो ईमान ले आओ। कहीं अल्लाह तबारक व तआला कहता है कि या अय्युहल लदीना आमनु हल अदुल्लुकुम अला तिजारतिन तुंजीकुम मिन अज़ाबिन अलीम तुमिनूना बिललाहि व रसूलिही व तुजाहिदूना फी सबीलिल्लाहि बिअमवालिकुम व अनफुसिकुम। कहीं अल्लाह तबारक व तआला जब इस उम्मत का मकसद वजूद बयान करता है तो कहता है कुंतुम खैरा उम्मतिन उखरिजत लिन्नास तअमुरूना बिल मारूफ व तनहौना अनिल मुनकर व तुमिनूना बिल्लाह। कहीं अल्लाह तबारक व तआला सूरह बकरा के आगाज में कहता है कि अलिफ लाम मीम ज़ालिकल किताबु ला रैब फी हुदल लिल मुत्तकीन, और फिर कौन है तक्वे वाले जो गैब पर ईमान लाते हैं। ये क्या है? कुरान मजीद किस जानिब मुतवज्जह कर रहा है? ये अहले ईमान को किस जानिब पुकार रहा है? मुझे इकबाल ने कहा था कि खिदत ने कह भी दिया ला इलाह तो क्या हासिल, दिलो निगाह मुसलमान नहीं तो कुछ भी नहीं। ये जबान से मुसलमान कह देना, ये अहमद अब्दुल्ला अब्दुर्रहमान नाम रख देना, ये इस्लामी जमीयत तलबा का कारकुन और रफीक हो जाना, ये जमीयत की इज्तिमाइयत में बैठ जाना, अगर ये आपकी ज़िंदगी के अल्टीमेट गोल्स को चेंज नहीं कर रहा, ये आपका मकसद ज़िंदगी और मतमाए नज़र तब्दील नहीं कर रहा, ये आपका ज़िंदगी गुजारने का ढंग तब्दील नहीं कर रहा, ये इंसानों को और माशरों को परखने का मेयार तब्दील नहीं कर रहा, तो इसका मतलब ये है कि ईमान की वो कैफियत हमारे कुलूब पर नहीं उतरी है।